पूज्य पिताजी के स्मृति में यह टूर्नामेंट आयोजन किया गया है। पूज्य पिताजी को सादर नमन। इस क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल समारोह में पधारे हुए सम्मानित श्री विनोद पांडे जी, सम्मानित श्री दिवाकर सिंह जी जो हमारे प्राचार्य भी हैं, यहाँ पर लगभग हर युवाओं उनसे शिक्षा प्राप्त की है, यहाँ पर हमारे विनय भैया, श्री राजेश पंडित जी, श्री उमेश सिंह जी, श्रीमती हमारी शिक्षिका भी है, हमें बचपन में शिक्षा भी दी है, श्रीमती राजली मैम, और यहाँ पर उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग, आप सभी को सादर प्रणाम, युवा साथियों को नमस्कार। साथियों यह टूर्नामेंट कुछ यहाँ पर दर्शक हैं, युवा साथी हैं जो टूर्नामेंट में भाग नहीं लिए, मैं आपको बता दूं यह टूर्नामेंट 4 जनवरी से अखर चल रहा है और 10 दिन का ये जो दौर है, मध्य प्रदेश में भीषण ठंड शीतलहर चल रही थी लेकिन यहाँ पर गर्मी का माहौल था, यहाँ एक इतनी बड़ी ऊर्जा मिल रही थी कि जो सोलर प्लांट में ऊर्जा नहीं मिलती यहाँ से ऊर्जा मिल रही थी। मेरा काम है और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस ऊर्जा को मैं खराब जाने नहीं दूंगा। साथियों एक तरफ समाज में जो नकारात्मकता फैली हुई युवा साथियों के प्रति, मैं देख रहा हूँ कि हर एक युवा यहाँ पर खेल भावना से खेल को खेल रहा है, बड़ी ईमानदारी से खेल को खेला है और अपने कार्य के प्रति जो उनकी लगन थी उसको देखकर मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ कि युवा इस देश की नींव है और ये कुछ भी कर सकती है, कहीं ना कहीं इनके मनोबल को बढ़ाना चाहिए, हम सबको भी इनका सहयोग करना चाहिए। खेलकूद और अन्य फील्ड भी है जो आपको भविष्य को एक अच्छा सुनहरा भविष्य दे सकते हैं और देश हित में आपका योगदान हो सकता है। साथियों कोरोना में देख रहे हैं एक तरफ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और यहाँ पर सुविधा भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है कि जो हमारे गाँव क्षेत्र में जो युवा साथी पढ़ाई कर रहे हैं उनकी शिक्षा कैसे प्राप्त हो, तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी मैं कलेक्टर को ज्ञापन दूंगा जल्द ही और कुछ न कुछ यहाँ पर नियम क्राइटेरिया जो चलाएंगे पढ़ाने के लिए जो मैं देखूंगा। खेल कूद ही हमारे मानसिक बौद्धिक और शारीरिक प्रतिभा को बढ़ाता है, तो आप खेलकूद को जरूर हमेशा खेलें क्योंकि जिस प्रकार हमारे समाज में आसपास के अंचल में मैं देखता हूँ कि खेल कूद को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, ये गलत है, खेल कूद को बढ़ावा देना चाहिए, नहीं तो आज की युवा मोबाइल फोन या अन्य जगह उनकी दिमाग जाती है, तो कहीं ना कहीं आप सब खेल जरूर खेलें और मैं आप सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा और जो भी जरूरत हो मेरे लिए टूर्नामेंट की जो कमेटी है बहुत सराहनीय है, यहाँ पर सचिन पांडे, प्रकाश और मनीष पटेल सभी बहुत अच्छे से अपने कार्य को किया है, काबिले तारीफ है, आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद। और साथ ही साथ जो आज का जो फाइनल टूर्नामेंट था बहुत ही जबरदस्त था और खुशी की बात यह है कि जो हमारे बीच हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने भी इसका लुत्फ उठाया, आनंद उठाया, तो कहीं ना कहीं आप सब काबिले तारीफ हो, इसमें किसी ने हारा नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, हार और जीत, ये तो निश्चित था कि 16 टीम में एक ही टीम जीतेगी, तो आज आप सामने हैं लेकिन आप भी कम नहीं थे, तो कहीं ना कहीं आप खेल को बढ़ावा दें और आपके साथ हमें धन्यवाद। बहुत हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बोलने का अवसर नहीं मिल पाया है, तो कहीं मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार हमारा मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा रहे, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ और आगे की